नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं हूं रविंदर। दोस्तों आज को हम बात करेंगे एयरटेल मित्र एप्लीकेशन के अंदर आने वाले एक नए अपडेट पोज ई वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यदि आप एक एयरटेल के पुराने रिटेलर हैं तो दोस्तों ये न्यूज आपके लिए बेहद ज्यादा खास और इंपोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर या महीनों के अंदर एयरटेल के पुराने रिटेलरों को भी कराना होगा अपना पोज ई वेरिफिकेशन। दोस्तों यदि आप एक वी के रिटेलर हैं तो आप सभी को पता होगा कि स्मार्ट कनेक्ट एप्लीकेशन के अंदर अब हर रिटेलर को अपना पोज ई वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। दोस्तों आने वाले दिनों में जो है आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर, यदि आप एक वी के रिटेलर हैं तो आपके एरिया के एफएससी या आपके एरिया के डिस्ट्रीब्यूटर आपके पोज का ई वेरिफिकेशन करने वाले हैं। अब दोस्तों मैंने बता दिया था वीडियो में पिछली में कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक एफिडेविट, एक 10 रुपए का स्टम्प पेपर लगेगा, उसके माध्यम से आपके पोज का ई वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर यदि आप एक एयरटेल के रिटेलर हैं तो आपके भी पोज का ई वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। ये जो अपडेट है ये ट्राई की तरफ से आया है कि यदि आप एयरटेल के रिटेलर हैं, जियो के रिटेलर हैं, वी के रिटेलर हैं या बीएसएनएल के रिटेलर हैं तो आप सभी के पोज, पुराने पोज का भी ई वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। अब दोस्तों ये मैटर आया क्यों है ये भी जान लीजिए, क्योंकि दोस्तों पुराने टाइम में यदि किसी भी बंदे को किसी भी कंपनी की सर्विस लेनी होती थी तो अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया और अपने एयरटेल के नंबर पर या वो एयरटेल का नंबर चालू करके रिटेलर को दे दिया करते थे और रिटेलर आसानी से यानी सेम डे यानी आज सुबह के टाइम रिक्वायर डालो और शाम तक आपके लाखों की सर्विस चालू कर दी जाती थी पुराने टाइम में। और दोस्तों यहाँ पर कंपनी के पास में कुछ खास किसी भी रिटेलर का जो एड्रेस है वो नहीं हो पाता था, पूरी जानकारी डिस्ट्रीब्यूटर या एफएससी के पास होती थी, गवर्नमेंट के पास इसकी जानकारी ज्यादा नहीं हो पाती थी। इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने नया अपडेट निकाला है कि हर रिटेलर का पोज ई वेरिफिकेशन कराया जाएगा, एफिडेविट लगेगा, स्टम्प पेपर लगेगा और नए सिरे से आधार कार्ड, पैन कार्ड वहां पर दिए जाएंगे, प्रॉपर जानकारी ली जाएगी कि दुकान रेंट पर है या खुद के ओनर की है। दोस्तों इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हर रिटेलर को अपने पोज का ई वेरिफिकेशन कराना होगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं लेता हूं इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।